बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर पापा जब बच्चे थे के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? जैसे कि बच्चों आप जानते हो, जो चौकीदार है वो रात को पहरा देते हैं और वो सारी रात जागते हैं, और ऐसे और भी काम हैं जहाँ पर रात को जागना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन से है। अस्पतालों में डॉक्टर व नर्स, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स जागते हैं, है ना, एमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। रेलवे स्टेशन तथा बस टर्मिनल में रेलवे तथा बस कर्मचारी, बस कर्मचारी मतलब एम्प्लॉयज़, वाहन चालक मतलब ड्राइवर तथा कंडक्टर जो टिकट्स को कलेक्ट करता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, बॉर्डर पर फौजी और कॉल सेंटर इत्यादि में रात को जागना पड़ता है। तो बच्चों कहाँ पे जागना पड़ता है? अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सेज जागती हैं, रेलवे स्टेशन तथा बस टर्मिनल पर जो कर्मचारी हैं वो, और वाहन चालक तथा कंडक्टर जागता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, बॉर्डर पर फौजी, कॉल सेंटर में लोग जागते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो बच्चों हम वो व्यक्ति के बारे में बताना है जो एक से ज़्यादा काम करता हो, मीन्स कि पूरे दिन में वो एक से ज़्यादा काम करता हो। तो देखते हैं क्या है। हमारे जहाँ एक व्यक्ति काम करता है, वह सुबह अखबार व दूध बांटता है, दिन में पेंट करने का काम करता है तथा शाम को 5 बजे के बाद दुकान पर भी काम करता है। तो बच्चों एक व्यक्ति है जो सुबह क्या करता है, अखबार वाला भी सुबह सुबह आता है, दूध वाला भी सुबह सुबह आता है। तो वो सुबह दूध और अखबार बांटता है और दिन में क्या करता है, पेंट का काम करता है, ठीक है। और शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि शाम पेंट का जो काम है 5 बजे ख़त्म हो जाता होगा और 5 बजे के बाद वो किसी दुकान पर काम करता होगा, ठीक है। आगे है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? मीन्स कि पापा ने कितने काम सोचे थे ना, तो हमें कौन सा अच्छा लगता है उसमें से, ठीक है ना, हमारे पसंदीदा कौन है? तो देखते हैं कौन सा है। मुझे वायुयान चलाना सबसे दिलचस्प काम लगता है। वायुयान मीन्स एरोप्लेन। वायुयान चलाते हुए मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ और ऊपर से धरती, पर्वत, पेड़ पौधे, समुंदर, नदियाँ, झरनों का नज़ारा भी देख सकता हूँ। क्या है, कौन सा काम है? वायुयान चलाने का, है ना। इसमें क्या क्या है कि जब वायुयान चलाते हुए आसमान में एक तो उड़ने का मज़ा आ जाएगा और एक ऊपर से क्या क्या दिखेगा, धरती पर पेड़, पर्वत, पौधे, समुंदर, नदियाँ, झरने, है ना। तो नेक्स्ट है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो बच्चों जब हम बच्चे होते हैं अक्सर ही हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। आपके भी पूछते होंगे, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हाँ, मुझे घर पर भी बताया जाता है कि बड़े होकर मुझे क्या बनना है। मम्मी कहती है डॉक्टर बनो तथा पापा और दादाजी कहते हैं इंजीनियर बनो। तो क्या बताया जाता है, पापा क्या बोलते हैं? पापा और दादाजी बोलते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, और मम्मी कहती है कि डॉक्टर बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वह जब छोटे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। बच्चों ये प्रश्न है कि जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे तो वो क्या सोचते थे कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? तो इसका उत्तर है, मेरे पापा जब बच्चे थे तब वह क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था, अंत वह बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। स्कूल में जब बच्चे टीचर का कहना मानते थे तब पापा ने टीचर बनने की सोची, मम्मी को बड़ी होकर अध्यापिका ही बनना थी, आज वह अध्यापिका ही है। तो बच्चों पापा क्या सोचते थे, उन्हें बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था, तो पापा सोचते थे कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा जैसे सचिन है। और जब वो उनको पता चलता था कि स्कूल में सभी बच्चे टीचर्स का कहना मानते हैं, तो वो सोचते थे कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा, लेकिन मम्मा सोचती थी कि मैं बड़े होकर अध्यापिका मीन्स टीचर बनूंगी, और वो टीचर ही बनी, अध्यापिका ही बनी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो, पता करो कि उसके काम को किस नाम से जाना जाता है।
तो बच्चों हमारे घर का कोई भी जो फैमिली मेम्बर है उससे पता करना है कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो कौन कौन है? मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं और जो हिसाब किताब रखता है फाइल्स का उसे क्लर्क कहते हैं, ठीक है। और उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या बोलते हैं उनको? क्लर्क बोलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? जो क्लर्क का काम है ना, उस काम को अच्छी तरह से जानने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए उस काम के लिए? उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग आना, कंप्यूटर चलाना और तरह तरह के पत्र लिखना आना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए उनको? एक तो हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए अच्छे से, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो पत्र हैं, लेटर्स हैं, वो लिखने आने चाहिए। ये एक क्लर्क का काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? मीन्स कि वो किन बातों से परेशान हो जाते हैं? तो देखते हैं, जब वे किसी कार्य को कर रहे होते हैं, कार्य मीन्स कोई काम, और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है। कभी कभी फाइलें ढूंढने में भी परेशानी होती है। तो बच्चों, जो क्लर्क अंकल हैं उनको अपने काम करने में कौन कौन सी परेशानी होती है? कि जब वो कोई काम कर रहे हों और कोई दूसरा काम लेके आ जाए, ठीक है ना, फिर ऐसे क्या हो जाता है, क्लर्क अंकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी जो फाइलें पुरानी होती हैं उनको ढूंढने में भी उनको परेशानी होती होगी, है ना। लेकिन किन बातों की परेशानी होती है? कि जब वो काम कर रहे हो और दूसरा कोई काम लेके पहुंच जाए, और एक पुरानी फाइलें ढूंढने में भी परेशानी होती होगी। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वे क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। तो हमें देखना है कि पापा क्या क्या सोचते होंगे, हमें वहाँ पर सही का मीन्स की टिक का निशान लगाना है। क्या है ये अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। इस अफसर को कुत्ता बनना ही नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो बच्चों, इसका उत्तर है, ये अफसर आखिर है कौन? क्योंकि पापा को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, ठीक है। तो ये पापा ने ये सोचा ही नहीं कि ये अफसर आखिर है कौन। ये जहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान मीन्स कि ये गलत है, अब मैं रोज़ अपना इरादा नहीं बदलूँगा। तो बच्चों, पापा ने तो यही सोचा था ना कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा जो है वो नहीं बदलूँगा, अब मैं रोज़ रोज़ नहीं करूँगा कि मुझे चौकीदार बनना है या क्या करना है ना। तो ये सही है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। और ये भी सही है, ये भी पापा ने सोचा था ना कि जो डॉगी बनना बड़ा ही मुश्किल है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। तो पापा ने ये भी सोचा कि ये फौजी तो हंसा नहीं, क्योंकि घर पर जब भी कोई उनसे पूछता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो जब बताते थे तो बाकी सब हंसते थे, लेकिन जो फौजी अफसर था वो नहीं हंसा। तो ये भी सोचा पापा ने, तो ये भी सही आंसर है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बेकार है। बेटो बच्चों, पापा ने ये तो सोचा ही नहीं था, नहीं सोचा था ना, इसलिए ये गलत है। मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, ये सही है, क्योंकि पापा को एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो क्या है। मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो बच्चों, जैसे पापा बोलते थे ना कि जो ठेला था मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा करूँगा, ताजो मैं रेलवे स्टेशन का काम भी कर सकूँ और ठेले का भी कर सकूँ। लेकिन अगर हम पापा की जगह होते तो हम क्या करते? तो हम इसका उत्तर देंगे, मैं ठेले को बाजार जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी वाले स्थान पर लगाती, क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर जो ठेले वाला है, जो रेहड़ी वाला है, उसकी बिक्री तो होगी ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो बच्चों, आपने भी कभी ट्रेन पे सफ़र किया होगा, तो आपको कौन कौन नज़र आता है वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जब और रेलगाड़ी में? तो चले देखते हैं। अगर मैं रेल से सफ़र करती तो रेलगाड़ी में टिकट चेक कर,
कुल्ली, मुसाफिर, सिपाही तथा सामान बेचने वाले नज़र आएंगे। तो बच्चों ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है। कौन कौन आएगा? एक तो टिकट चेक करने वाले एक अंकल आते हैं ना, जिनको टीटी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक कुल्ली होगा जो सामान को इधर उधर लेके जाता है। दूसरा मुसाफिर, जो पैसेंजर हैं जो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और एक सिपाही अंकल होंगे, एक नहीं बहुत सारे भी हो सकते हैं। तथा सामान बेचने वाले नज़र आएंगे जो अपना अपना सामान, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट्स बेचेंगे। तो अगला प्रश्न है, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इनमें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाते हो? ठीक है ना, जैसे पापा के पापा को क्या कहते हैं, पापा की माँ को क्या कहते हैं। तो चलो साथ में देखते हैं, साथ में इसके आंसर भी देख लेते हैं। पापा के पापा को बोलते हैं दादाजी, पापा की माँ को बोलते हैं दादी जी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, पापा की बहन को बुआ जी, पापा के छोटे भाई को चाचा जी। इनमें से सबके मीन्स के रिलेटिव होंगे ना, चाचा जी, बुआ जी, है ना, है ना। तो माँ के पापा को क्या बोलेंगे? नाना जी। नाना नानी के घर जाते हो ना आप, वैसे ही माँ वो मम्मा के पापा होते हैं, उनको हम नाना जी बोलते हैं। माँ की माँ को नानी जी, माँ के भाई को मामा जी, माँ की बहन को मौसी जी, बहन के पति को जीजा जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा जी की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही हैं। पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो बच्चों जैसे हमारा जो चैप्टर था कि वो पापा के बारे ही में था, तो हमने बार बार पापा नहीं लिखा ना, हम क्या लिखते थे, वो वह उन्होंने सोचा, वह सोचते थे, है ना, ऐसे लिखा ना हमने। तो ऐसे ही हमें 5 उदाहरण देखने हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे पापा जब बच्चे थे तो उन्होंने उनसे अक्सर पूछा जाता था, लेकिन हम ये नहीं लिखा ना हमने, पापा जब बच्चे थे तो पापा से अक्सर, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हम एक ही जो शब्द है बार बार उसको नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, ठीक है। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। देखो अब हम इधर भी पापा नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए हमें इस जगह पे लिखा, उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। तो आगे से फिर से पापा आ सकते हैं, लेकिन हमने पापा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, उनका जवाब हर बार अलग होता था, ठीक है। ये सचमुच समस्या थी, पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना। अभी पापा की ही जगह बच्चों कितने वर्ड्स आ गए हैं, शब्द आ गए हैं ना। तो नेक्स्ट है, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो हमें जो वर्ड्स है ना, जैसे उनसे, उन्होंने जो मीन्स कि आपको डार्क ब्लैक दिख रहे हैं, इनकी हेल्प से हमें वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कौन सा वर्ड है, उनसे, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, ये वाक्य बन गया, ठीक है ना। आगे है, उन्हें, कल उन्हें घर आना है। तो अगला वाक्य क्या है, उनका, उनका खाना दे दो, ये मेरा घर है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चाय दो। तो बच्चों हमने वाक्य भी बना लिए। आगे है, मैं भी आऊँगा, तुम जहाँ आओ, इस तरफ चलो, तो ठीक है। तो नेक्स्ट है, सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। जैसे कि बच्चों हर एक जो इंसान है, जो हर व्यक्ति है, बच्चा है, उनमें अलग अलग टैलेंट होता है। जैसे किसी में साइकिल चलाने का, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई इनकी जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो देखते हैं कि जो है वो कौन कौन से हैं, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए इनके आंसर देखते हैं साथ साथ में। आंसर हैं, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं वो कौन है, दादी जी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं मीन्स के एम्ब्रॉयडरी, वो कौन है, दादी जी। मीन्स की जो उनका टैलेंट बता रहे हैं कि जो दादी जी हैं वो कहानियाँ गढ़ सकते हैं, मीन्स की कहानियाँ सुनाते होंगे ना, और जो खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी भी दादी जी करते थे, उनकी मीन्स की स्पेशलाइजेशन होगी। जो कलाबाजियाँ खा सकता है, मेरे दोस्त सौरभ, ठीक है, खा नहीं, दिखा सकता है। कलाबाजियाँ मीन्स अपना कोई हुनर, टैलेंट, ठीक है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सके, कौन,
चाचा जी। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है वो है दादी जी और माँ। आपकी मम्मा भी और दादी बुन के देती होंगी आपको घर का बना स्वेटर, है ना, जो सबके सामने किसी के बारे में 2 मिनट तक बता सकता है। दादाजी और पापा जी। जो कठिन पहेलियाँ सुझा सकता है वो है दादाजी। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं दादाजी। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं चाचा जी। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं दादाजी दादी जी। जो बढ़िया अपने कर सकते हैं मीन्स एक्टिंग चाचा जी। जो बेकार बड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं वो है भैया दीदी और मैं। आप किस किस में माहिर हो आप ये स्वयं लिख सकते हो, जैसे ड्राइंग करने में, गिटार बजाने में, सितार बजाने में, गाने में, क्रिकेट खेलने में इत्यादि। तो अगर आप में कोई और भी हुनर है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ली पंक्तियों पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती है। कि हमें बताना है कि हम पापा के बारे में क्या सोचते हैं जब पापा छोटे थे। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो इसका आता है उत्तर है, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो आगे ही हम देखते हैं, जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। हम ये सोच रहे हैं कि पापा बहुत क्लेवर थे। नेक्स्ट है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, मीन कि पापा का जो आंसर था वो डिफरेंट डिफरेंट होता था। ऐसा लगता है कि पापा भ्रम में पड़ जाते थे, मीन्स कि पापा को पता नहीं चलता था कि उन्होंने क्या पढ़ना है या क्या नहीं। ठीक है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, जब पापा ये सोचते थे उसके बारे में हम क्या सोचेंगे। ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम देने के लिए रेडी थी ना। तो क्या लगता है कि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूँगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे, मीन्स कि पापा कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहते थे। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।